सो क्या हाल चाल है मेरे भाई गौरिया। सो मार्टिन मूवी को लेकर ना एक और काफी बड़ा अपडेट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को लेके। एक्चुअली में फिल्म का टीजर और ट्रेलर कब हम सबको देखने को मिलने वाला है। बेसिकली हुआ ये है, जब मैं पिछला वीडियो मार्टिन मूवी को लेकर बनाया हुआ था तो बहुत ऐसे भाई लोगों का ये भी चीज़ें कहना था कि संजू अभी ध्रुवा सर्जन ने अपनी प्रॉपर डबिंग को कंप्लीट नहीं करा है। इसके अलावा और भी एक्टर लोग हैं जो लोग अभी तक इस फिल्म की डबिंग को कंप्लीट नहीं करे हैं। इस पर हम लोग बातें करेंगे, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीजर को लेकर, देन ट्रेलर को लेके कब आ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट निकलते हुआ दिखाई दे रहा है इस मूवी को लेके। और सच बोलूँ ना भाई, इस मूवी को लेके ना बातें करना अभी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अभी ना बहुत ऐसे जो लोग हैं ना नॉर्थ साइड में इस मूवी को ना बहुत हल्का में ले रहे हैं। तो मैं तुम लोग से अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस मूवी को भाई तुम लोग हल्का में मत लो। अलग बात है ये फिल्म का कंटेंट यूनिक होगा या फिर नहीं होगा, ये तो अलग की बात है, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है ये फिल्म पब्लिक को पसंद आएगी, क्योंकि इसमें ना मास वाले एलिमेंट ना बहुत डाले गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा डाले गए हैं। जब भी हम लोग गए थे इवेंट में ना, टीजर के इवेंट में, तो वहाँ हम लोग ने टीजर को देखा ही देखा था, बट उसके साथ साथ ना बहुत ऐसे रॉ फुटेज को भी मैंने देखा हुआ था। तो भाई मैं एकदम डंके के चोटे बोल सकता हूँ कि ये फिल्म में वो सारी पोटेंशियल है ना जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को ना बनाती है। और ये एलिमेंट ना जो इस फिल्म में डाले गए ना, ये सब सारे एलिमेंट ना नॉर्थ साइड के पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि बहुत ऐसे ना इस फिल्म में ना सिटी मार वाले एक्शन सिक्वेंस को डाले गए, एक्शन ही नहीं भाई जो डायलॉग बाजी होगा ना वो तो अलग ही स्वैग क्रिएट करने वाला है। चलो फिर बात करते हैं आगे कि एक्चुअली में फिल्म का टीजर कब आने वाला है, ट्रेलर कब आने वाला है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में डबिंग का क्या सीन है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक चीज़ बोलूंगा, इस वीडियो को प्रॉपर तुम लोग लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक जो भी वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। सो बैक टू पॉइंट, आते अपने ये मूवी पे, मीन्स मार्टिन मूवी के ब्लॉकबस्टर वाले अपडेट पे। सबसे पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी लोग अभी लग रहा है जरा सा भी डाउट है कि ये फिल्म की डबिंग कंप्लीट नहीं हुई है, भाई ये फिल्म के डबिंग ना टोटली 101% कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक भी परसेंट अभी डबिंग नहीं बचे हुए, जितने भी एक्टर लोग हैं, जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट है, सारे लोगों ने अपनी डबिंग को कंप्लीट कर लिया हुआ है। और जो लोग को लग रहा है कि ध्रुवा सारजा ने नहीं करा हुआ है डबिंग, भाई वो टोटली कंप्लीट कर लिया। कल ही मैं ये मार्टिन मूवी के टीम वाले लोगों से बातें कर रहा था, वो लोग भी बोले संजू टोटली डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, टीजर पे काम चल रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग ट्रेलर पे भी काम कर रहे हैं, दोनों चीज़ें लगभग लगभग फाइनल हो चुकी है। टीजर तो भाई सब बन उनके रेडी है मैन, वो लोग बोल रहे थे कि सारी चीज़ें रेडी है, जस्ट आगे से जैसे ही भाई आएगा कि हाँ टीजर को रिलीज़ करना है, देन हम लोग अपने फिल्म के टीजर को रिलीज़ कर देंगे। और टीजर वजर की सारी चीज़ें मैन, मतलब जो होती है कलर ग्रेडिंग A to Z भाई फाइनल हो चुकी है। और ट्रेलर को लेकर भी उनका यही चीज़ें कहना है कि मास वाले हेलमेट को काफ़ी ज़्यादा डाले गए ट्रेलर में, अब तो भाई जब ये ट्रेलर आएगा तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, जो लोगों को नहीं पता एक चीज़ और मैं बता दूँ, किसी भी फिल्म के ट्रेलर की कटिंग होती है ना, तो 3-4 ट्रेलर को जो एडिटर होते हैं ना वो कट करते हैं, और ये 3-4 ट्रेलर में से जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और इनफैक्ट जो एक्टर है, वो बैठ कर देखते हैं चारों ट्रेलर में से जो भी बेटर ट्रेलर होता है ना, उससे लास्ट में लोग फाइनल करके रिलीज़ करते हैं। हर फिल्म के साथ लगभग लगभग होता है, और ये भी फिल्म के साथ ऐसा ही हुआ है। ये फिल्म के ना 3 ट्रेलर की कटिंग करी गई है, 3, और तीनों में ना बहुत मास वाले एलिमेंट को डाले गए हुए हैं, और तीनों में से एक ट्रेलर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट हाँ टीजर फाइनलाइज हो चुका है। बट यहाँ ना अंदर के टीम वाले लोग का ये भी चीज़ें कहना था कि मेकर्स अभी प्लान कर रहे हैं कि एक आध एक्शन सिक्वेंस को हम लोग रिलीज कर दे, कुछ ऐसा चीज़ें रिलीज़ करें ना, पहले पोस्टर टीज़र टाइप से कुछ छोटा मोटा चीज़ें हम लोग रिलीज़ करें, देन उसके बाद ना टीज़र के थोड़ा बड़ा वाला लेंथ को हम लोग रिलीज़ करेंगे, देन उसके बाद हम लोग ट्रेलर को रिलीज़ करेंगे। बट ये सारी चीज़ें बन उनके रेडी हो चुकी है, ट्रेलर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी यही अपडेट निकल रही है कि हाँ ट्रेलर की 3 ना ट्रेलर को इस फिल्म से रिलेटेड 3 ट्रेलर को कट करा गया हुआ है। आगे से जब भी हरा झंडी आएगा कोई भी ट्रेलर को लेके, तो वो लोग भाई रिलीज़ करेंगे। बट हाँ, टीजर को लेकर ऐसा बताई जा रही है कि अगले मंथ में, मीन्स अप्रैल के मंथ में टीजर तुम्हें देखने को मिल सकता है, वो 15-16 के आसपास भाई डेट उन लोग को बातों से लगा, जैसे होता नहीं कि वो लोग भी क्लियर नहीं बोलते हैं ना भाई, क्योंकि बहुत ऐसे जो सीन होते हैं ना जो प्रोड्यूसर लोग ही डिसाइड करते हैं क्या इस डेट पर रिलीज करना है, या फिर जो एक्टर होते हैं ना मेन लीड एक्टर, उन्हीं के इर्द गिर्द वाला जो उनका फेवरेट डेट होता है ना, उसी पर मेकर्स चाहते हैं कि रिलीज़ करने का। तो जितना मैंने बात करा ना, तो ऐसा
बात से पता नहीं चलता है कि हाँ कब ये फिल्म का ट्रेलर आ सकता है, कब शायद ये मेकर्स रिलीज कर सकते हैं। तो उस पर पता चल रहा था मेरे को कि हाँ 16 के आसपास में शायद आ सकता है, उससे पहले शायद ये लोग कहीं पोस्टर ये सब भी रिलीज ना कर दे। बट सारी चीज़ें बने उनके रेडी है मैन, और थ्रिलर टीजर कटआउट्स ए टू जेड भाई रेडी है। और वहीं अभी फिल्म पे काम चल रही है, फिल्म की एडिटिंग पे काम चल रही है काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और वंस अगेन मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, ये फिल्म को लेके ना नॉर्थ साइड में जितनी भी पब्लिक है, अगर तुम नहीं जानते हो एक बार जाकर टीजर को देखो, मार्टिन करके आएगा, ध्रुवा सरजा मार्टिन मारना भाई, तुम फैन बन जाओगे। इसके अलावा तुम लोग भी बोलोगे सीना चौड़ा करके कि एक और टैलेंट या सुपर स्टार आ रहा है जिस स्टार का नाम है ध्रुवा सरजा। और भाई बाबा के एक बार तुम लोग लाइनअप देखो, ये मार्टिन है, देन उसको केडी, ओ केडी तो भाई अलग ही स्वैग क्रिएट करेगा। केडी में संजू बाबा है मैन, नोरा फतेही भी आ चुकी है केडी में, ये फिल्म का अलग ही स्टैंडर्ड होने वाला है। और शिल्पा शेट्टी भी है भाई केडी फिल्म में, और ये फिल्म को प्रॉपर ना भाई एक अलग स्टैंडर्ड पे शूट करी जा रही है, अलग स्टैंडर्ड पे इसकी भी प्लानिंग चल रही है मेकिंग की। बहुत हार्ड फिल्म होने वाला है ये केडी, हार्ड मतलब तुम लोग सोचे भी नहीं होंगे ना बियॉन्ड द लेवल जाने वाली है फिल्म। मुझे ऐसा लगता है कि ध्रुवा सरजा की करियर की ना सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है केडी, सच बोल रहा हूँ सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। इसको लेकर भी हम लोग बातें करेंगे कभी, बट अभी तक ये ध्रुवा सरजा की मार्टिन मूवी को लेकर यही अपडेट निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। टीजर तुम्हें अगले मंथ में देखने को मिलेगा, देन ट्रेलर उसके एक मंथ बाद देखने को मिलेगा, देन फुल उससे ना 10 दिन के बाद ना रिलीज हो जाएगी। जल्दी फिल्म ये भी रिलीज होने वाली है, अभी रिलीज डेट को लेकर भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। सारे लोग बैठेंगे तो भाई वो लोग बैठ के अपना अपना डिस्कशन करके निकालेंगे एक्चुअली में ये फिल्म कब रिलीज हो सकती है, लेकिन हाँ गर्मी का मंथ में ये लोग टारगेट कर रहे हैं, इतना तो कन्फर्म है। बाकी अपना ओपिनियन तो लोग कमेंट करके जरूर बताना। सो चलो मेरे वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा ही पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।